गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एज यू नो आई एम योर मैथ टीचर। स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच क्लास फोर मैथ्स। लेट अस स्टार्ट। बच्चों, आज हम क्लास फोर के मैथ्स में चैप्टर टू प्रैक्टिस टाइम 2.1 को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस टाइम 2.1। आपको जो चैप्टर टू हम लोग पढ़ चुके हैं उसके पर आधारित जो भी क्वेश्चन है इसको आज हम हल करेंगे प्रैक्टिस टाइम 2.1 में। प्रैक्टिस टाइम 2.1 का क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरे। तो यह आपको कुछ आपको क्वेश्चन में जो है आपको क्या दिया हुआ है, यह जगह खाली है, यह ब्लैंक्स है, इसको हम फिल करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है न्यूमिरल्स आर डैश दैट रिप्रेजेंट्स नंबर। न्यूमिरल्स क्या है, नंबर को जो प्रदर्शित करता है वह क्या है, सिंबल्स है। इसमें लिखेंगे हम सिंबल्स। न्यूमिरल्स आर द सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट नंबर्स। न्यूमिरल्स एक चिन्ह है जो नंबर को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड क्या है, नंबर्स इंडिकेट ए डैश ऑफ यूनिट्स। नंबर आपको क्या प्रदर्शित करता है, क्या सूचित करता है नंबर्स? तो नंबर सूचित करता है क्वांटिटी ऑफ यूनिट, किसी इकाई की मात्रा को, क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स। तो सेकंड क्वेश्चन है उसको डालेंगे क्या फिलअप होगा, क्वांटिटी। थर्ड क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर इज, यानी पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर यानी पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9 होता है, तो फाइव डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए 5 हम 9 लिखेंगे, यानी कहेंगे 1 2 3 4 5, यानी 9 1 10 100 1000 10000 99999। क्या हुआ, 99999। ये आपको फाइव डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर इज डैश। तो स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट का स्मॉलेस्ट यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। वैसे हम जानते हैं कि वन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है, तो सिक्स डिजिट के नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, उस पर हम 50 आउटपुट करेंगे तो सिक्स डिजिट हो जाएगा, और सिक्स डिजिट क्या हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, सिक्स डिजिट का, 1, 10, 100, 1000, 10000 लैक्स, यानी 1 लैक्स। 1 लैक्स यानी 1 लाख आपका हो गया सिक्स डिजिट का क्या हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर आपका सिक्स डिजिट का हुआ 1 लैक्स। क्वेश्चन नंबर 5 द ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर इज, हमको इससे पहले था स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर, अब हमको पढ़ना है यह फिलअप करना है कि ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी क्या होगा। तो बड़ी वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बच्चों 9 होता है ना, तो सिक्स डिजिट के लिए क्या 69 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब लिख दिया 69, तो किस काम करें, 1, 10, 100, 1000, 10000 लैक्स, 9,99,999। क्या होगा, 9,99,999 आपका हुआ सिक्स डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 1+ द ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर इज, सिक्स डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में अगर 1 को हम प्लस करते हैं, 1 को हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, 1, 10, 100, 1000, 10000 लैक्स, 10 लैक्स, हमको क्या मिलेगा, 10 लैक्स मिलेगा हमको। ये सिक्स डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 1 ऐड करने के बाद हमको आएगा 10 लैक्स, इसको फिल करेंगे हम 10 लैक्स। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 1 को बनाए। फर्स्ट में क्या पढ़े, नंबर इज द डैश यहाँ तक यहाँ सिंबल फिलअप करेंगे। सेकेंड नंबर इज द इंडिकेट ए डैश ऑफ यूनिट्स, तो यहाँ क्वांटिटी फिलअप करेंगे। थर्ड नंबर है क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर इज, तो इसको फिलअप करेंगे 99999। उसके बाद फोर्थ है स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर क्या था, 1 लैक्स हुआ, 1 लैक्स फिलअप करेंगे। फाइव है द ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर, तो क्या हुआ, 9,99,999, तो यहाँ फिलअप करेंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन है 1+ द ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर इज, तो 1+ किए तो इसमें क्या है, 10 लैक्स है, तो यहाँ 10 लैक्स फिलअप किए। ठीक है, ये इसको आप लोग फिलअप कर लेंगे इसको, और समझ गए इसको, इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 1 जो फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, इसको आपको अपने नोटबुक में इसको फिलअप करेंगे क्वेश्चन को देखकर इसको। ठीक है,
तो इसको आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर बी इस तरह भैया ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें क्या करना चाह रहा था, पीरियड ऑफ लैक्स बिलोंग्स टू द लैक किसमें आता है, जैसे प्लस वैल्यू चार्ट पढ़ा है ना वो इंडियन और इंटरनेशनल, तो लैक्स आता है हम लोग को इंडियन प्लस वैल्यू चार्ट, तो यहां फिलअप करेंगे इंडियन। पीरियड ऑफ मिलियंस बिलोंग्स टू द, तो मिलियंस किस प्लस वैल्यू चार्ट में आता है, जैसे हमने पढ़ा है कि इंटरनेशनल, तो मिलियंस आता है इंटरनेशनल में, इंडिया में नहीं आता है, इंडिया में लाख करोड़ आता है, लेकिन इंटरनेशनल में क्या आता है वही थाउजेंड के बाद मिलियंस मिलियंस आता है, तो मिलियंस किस में है इंटरनेशनल, तो यहाँ फिलअप करेंगे आप इंटरनेशनल प्लस वैल्यू चार्ट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ हंड्रेड थाउजेंड बिलोंग्स टू द इंटरनेशनल प्लस वैल्यू चार्ट। उसके बाद है द पीरियड ऑफ थाउजेंड बिलोंग्स टू द बोथ प्लस वैल्यू चार्ट, ये दोनों में आता है, थाउजेंड्स का पीरियड दोनों में आता है, ठीक है ना। क्योंकि थर्ड क्वेश्चन है पीरियड ऑफ हंड्रेड थाउजेंड, तो हंड्रेड थाउजेंड आपको नहीं आता है इंडियन प्लस वैल्यू चार्ट में, यह इंटरनेशनल में आता है। इंडियन प्लस वैल्यू में हंड्रेड थाउजेंड का क्या होता है, हंड्रेड थाउजेंड प्लस वैल्यू आता है वहां लैक्स होता है, इंडियन में लैक होता है और इंटरनेशनल में हंड्रेड थाउजेंड होता है। अंडरस्टैंड बच्चों, तो ये आप समझ गए पूरा, इसको अपने नोटबुक में नोट करके फिलअप करेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपका ए बी और सी डी क्वेश्चन जो है बच्चों, ये आपको प्लेस वैल्यू चार्ट जैसे नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ाए थे हम, उसको आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ाए थे उसको आप बच्चों जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उस प्लेस वैल्यू का चार्ट को बनाकर जैसे हमने नंबर लिखना बताया था उस तरह, और दोनों क्वेश्चन आपका सी और डी है। सी में है कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को बनाना है और उस नंबर को उसमें लिखना है, और डी नंबर क्वेश्चन है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है और उसमें उस नंबर को दिखाना है लिखना है। तो मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था इंडिया प्लस वैल्यू चार्ट बनाकर इंटरनेशनल प्लस चार्ट बनाकर, और मैंने नंबर को लिख के बताया था कैसे लिखेंगे, उस तरह सी और डी जो क्वेश्चन है आप लोगों को उस तरह अपने नोटबुक में बनाना है, ठीक है। और ये आपका होमवर्क भी है कि आप इसको आप कंप्लीट करें, प्रैक्टिस 2.1 आपका एक्सरसाइज यहाँ पर आपको खत्म हो जा रहा है। ए बी सी चार क्वेश्चन है, चारों मैंने आपको बता दिया, इसको आप अपने नोटबुक में करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।